you understand, Doctor? Her pain is my destiny and I can't avoid it. गायर, जी तो चाहता है यही तेरा गला घूम दूं, लेकिन इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का इंसाफ तेरा इंतजार कर रहे हैं, और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुझ जैसे कमीने लालची इस मुल्क की जेलों में होंगे, समझे? जानते हैं तो अपने बैंक के रुपए आना और पाई को जानते हैं। जानता हूं, ये भी जानता हूं कि क्या बात कर रहा हूं और इसका नतीजा क्या हो सकता है। लेकिन एक दो टकों की नौकरी के लिए सच्चाई का साथ छोड़ने वाले कोई और होंगे, मैं नहीं हूं पुरी साहब। बोनस तो 3 महीने का ही मिलेगा और वो आप किस तरह देंगे ये फैसला आप खुद ही। टूटे थे मंगल, तब से ताले तोड़ता आ रहा है राजा बाबू पहलवान। तुम अभी मैं जानते नहीं, जान जाओगे। हमारे पास है भैया 3 बादशाह। एक बादशाह, दूसरा बादशाह, कहूं तुमसे? वजह तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर देख सकती हूँ, न जाने क्यों तुम अपने आप से बहुत नाराज हो। उस दिन तुमने बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लिया, बाद में मुझे ऐसा लगा जैसे तुम जानबूझकर इतनी मुश्किल का सामना करना चाहते हो। ये जो कोयले के खान में नौकरी करने ही आए हो, कौन जाने इसकी भी यही वजह हो। दादू राजा जी, यहाँ सबसे खिलवाड़ कर लेना, लेकिन एक आदमी है विजय, उसके मुंह मत लगना कभी भूल के भी। अरे अच्छे अच्छे टेढ़े आदमियों को सीधा कर दिया उसने। है ना, लेकिन कोई बात नहीं, 2 फरलांग पे तो है, मैं चली जाऊंगी। काका मेरी चीजें देख लेना, मैं चलती हूँ। तुम जैसे 2-4 और मिले तो चल चुका छन्नो का धंधा। अच्छा बीबी जी, फिर आऊंगी। ये देखो, हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े अखबारों मैगजीनों में हमारे आर्टिकल्स छपते हैं। पढ़े लिखे लोगों में बहुत इज्जत है हमारी, लेकिन तुम्हें क्या मालूम। गुड, तुम्हें ये भी पता चल गया रवि? अरे भाई, मैं तुम्हें कब से जानती हूँ, कॉलेज के जमाने से, लेकिन तुमने मेरे सामने आज ये पहली अकलमंदी की बात की है। वेरी गुड। अच्छा सुनो, ये सेठ धनराजपुरी ने हमारे रहने का इंतजाम कहाँ किया है? ना, तुम्हारा हिसाब इतना कमजोर है कि ये भी नहीं जानते 40,400 से बहुत ज्यादा होते हैं। और सुनो, ये बात जो तुमने मुझसे इस वक्त की है, किसी और से मत करना, समझे? जितना कोयला निकाल सकते हो उतना निकाल लो, बाद में अगर कुछ हो भी गया तो हम देख लेंगे। तो आप हैं, तो मिस्टर सक्सेना क्या कह रहे थे आप? कागज लिपटी आईया ने, और तेरिया चूड़िया मुंदरिया पाउडर कंगी सारा कुछ ले आया। वाहेगुरु, मेरे यारा की जिंदगी खतरे च है, सच्चे पातशाह उनकी जिंदगी बचा दे।
इस बुढ़ापे में ये बदनामी और बेइज्जती हमारी किस्मत में लिखी थी। तुम हमारे बेटे, तुमने इस बुजदिली का सबूत दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम कौन हो, किस खानदान से हो। तुम्हारा बाप एक आर्मी ऑफिसर है, तुम्हारा दादा एक आर्मी ऑफिसर था। फर्ज की इज्जत तो हमने तुम्हें घुट्टी में पिलाई थी बेटा, ये तुमने क्या किया? मेरा सर जिंदगी भर के लिए झुका दिया तुमने। यहां नहीं शंकर, इसे कान के अंदर ड्यूटी पर मिलने दे, वहीं मार के दबा देंगे। बहुत दूसरों के हिसाब का ख्याल रखता है, इसका हिसाब किताब मैं करूंगा। हाँ जल्दी बोल, क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? हिसाब का पैसा दे दो बस। क्या बोला? पैसा निकलता है वही मांग रहा हूँ। क्या चाहिए? हिसाब का पैसा दे दो बस। पैसे चाहिए तुझे? देखो भैया, देखो, मेरे ढाबे पे आके खाते पीते हैं और जब पैसे मांगो तो क्या बताऊँ तुम्हें, इस बूढ़े आदमी के साथ क्या क्या करता। नए नए आए हो, कहाँ पैसा लगा रहे हो पता है? राणा से आज तक कोई नहीं जीता। एक और सही। बेगम गुलाम दहला, क्यों नहीं खेलेंगे? आओ बैठो। क्यों, तुम्हारे पास क्या है? क्या दिखाओ, दिखाओ तीन बादशाह, तीसरा बादशाह दिखाओ। मंगल सिंह, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।